आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। अडानी एंटरप्राइजेस का जो एनालिसिस है आज हम वो करेंगे। स्टॉक एनालिसिस होगा, ये पहला वीडियो होगा इस चैनल पर जिसमें हम स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं। किसी के पास अडानी एंटरप्राइजेस है तो क्या करना चाहिए, किसी के पास नहीं है तो क्या उसको खरीदना चाहिए, कैसा ओवरऑल परफॉर्मेंस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस कैसी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने लायक है नहीं है वो हम बताएंगे। एक चीज़ हमेशा मान के रखना, ट्रेडिंग से आप पैसे कमा सकते हो, वेल्थ नहीं बना सकते हो। काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा है, वॉरेन बफेट ने कहा है, सब ने कहा है कि ट्रेडिंग कैन गिव यू मनी बट कैन नॉट क्रिएट अ वेल्थ। तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग से पैसा आएगा पैसा जाएगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बोनसेस आएंगे, स्प्लिट आएंगे, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना काफी जरूरी है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मिनिमम आपका जो 80% कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होना चाहिए। खाली 20% जो कैपिटल है उसी पे आपको ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। 90% जितने भी ट्रेडर्स होते हैं सब अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि 80% जो आपका वैल्यू है, जो आपका कैपिटल है, वो हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए अच्छी कंपनी में, क्योंकि ट्रेडिंग आपको उतना पैसा अर्न नहीं करके देगा जितना आपको इन्वेस्टमेंट अर्न करके देगा, वो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। अगर अच्छी कंपनी आपने पिक कर ली अच्छे प्राइस पे, आप काफी एक अच्छी हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 80% एक ही कंपनी में डाल देना, उस 80% को आप 8 अलग अलग कंपनी में डालिए, बेस्ट कंपनीज में डालिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। मल्टी बैगर रिटर्न जिसको नहीं पता तो वो मैं बता दूं, अगर अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो काफी वॉलेटाइल स्टॉक आपको देखने को मिला, लेकिन अगर इसके रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपको 7000% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 7877। ये तो बहुत छोटा है, काफी स्टॉक्स ने तो काफी बड़े बड़े मल्टीबैगर्स रिटर्न दिए। 7000% रिटर्न भी कुछ कम रिटर्न नहीं होता है, काफी एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज इस जमाने में आपके उसकी 1 रुपये की वैल्यू 7000 रुपये के आसपास होती। बीच में स्टॉक स्प्लिट आया, सब कुछ आया, 6 रुपये का वो शेयर था, तो वो एक इन्वेस्टमेंट का एक जादू होता है, कंपाउंडिंग होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अडानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर है उसके बारे में हम बात करते हैं। रिसेंटली बात करें तो ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। 507 का इसका 52 वीक हाई है, 489 का है, 52 हाई भी इस 5 दिन के अंदर ही इसने लगाया है। पीई की बात करें तो 61 का पीई है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो 5,540.46 बिलियन का आपको इसका मार्केट कैपिटल देखने को मिल रहा है। एक लार्ज कैप कंपनी है, अब वो एमफेस को लार्ज कैप डिसाइड करती नहीं करती, वो इसका देखने वाली बात होगी। लो की बात करें, अगर इसकी 52 वीक लो की बात करें, 52 वीक हाई की बात करें, तो जो इसका 52 वीक लो है वो है 116 का, और 52 वीक जो हाई है वो है 507 का। बिजनेस मॉडल की बात करते हैं अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी एक ग्रुप है, अडानी एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। अब कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी का मतलब क्या, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी उसे कहते हैं जिस एक ग्रुप होता है जिस ग्रुप की काफी सारी कंपनी होती है। अडानी ग्रुप इज अ इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी, हेडक्वार्टर्स उसका अहमदाबाद गुजरात में है, और ये गौतम अडानी के द्वारा फाउंड की गई थी कंपनी 1988 में। मेन जो इसका बिजनेस था वो पहले था कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस, और काफी सारे और भी बिजनेसेस आए, फिर अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड बनाई गई, और अब गौतम अडानी अडानी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं। रेवेन्यू की बात की तो 1500 करोड़ USD का एज ऑफ नाउ इसका रेवेन्यू है। सब्सिडरीज की बात कर तो अडानी ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, उसकी काफी सारी सब्सिडरीज है, अडानी पावर, अडानी ग्रिड, अडानी एनर्जी, और अडानी के काफी सारी और भी सब्सिडरीज है, अडानी एंटरप्राइजेस है, अडानी वेलमेयर है, काफी सारी सब्सिडरीज आपको देखने को मिलती है। बिजनेस मॉडल की बात करें स्पेसिफिकली अडानी एंटरप्राइजेस की, कि अडानी एंटरप्राइजेस क्या क्या काम करती है। अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी एंटरप्राइजेस खाली कुछ बिजनेस नहीं है, काफी सारे बिजनेस आ जाते हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, काफी सारे एयरपोर्ट्स है, मुंबई का जो एयरपोर्ट है, काफी सारे ऐसे एयरपोर्ट्स है जहां पर अडानी की आपको एयरपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वो जो एयरपोर्ट्स है वो अडानी के है, जो भी उस पर पैसेंजर आता है, जो भी चार्जेस लगते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, जो भी रेवेन्यू जनरेटेड होता है वो अडानी को मिलता है। अडानी के काफी सारे डेटा सेंटर्स हैं, अडानी डिफेंस और एरोस्पेस में भी है, हालांकि इतना बड़ा उनका कोई हिस्सा नहीं है डिफेंस एंड एरोस्पेस में, वो छोटा सा हिस्सा है लेकिन है।
अडानी के एंटरप्राइजेस का एक थोड़ा जो बड़ा हिस्सा वो है एडिबल ऑयल्स एंड फूड में। आपने फॉर्च्यून देखा होगा, फॉर्च्यून के ऑयल्स आते हैं, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, काफ़ी सारे ऑयल्स आते हैं। राइस आता है फॉर्च्यून का, बेसन आता है, बहुत सारे फॉर्च्यून के अलग अलग ब्रांड्स के अभी आटे बेसन सब कुछ आना शुरू हो गया है फॉर्च्यून का। तो अडानी का काम वो है कि वो अडानी उसके अंदर भी काम करती है। एग्रो बिजनेस भी है अडानी का, जो 15,000 फार्मर्स को हिमाचल प्रदेश में अडानी मतलब एग्रीकल्चर करती है फ्रूट्स के। और बात करें तो एक अडानी का इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है, अडानी की माइनिंग सर्विसेज है, रोड है, मेट्रो है, रेल है। अडानी के आपको मेट्रोस देखने को मिल जाएंगे, अडानी के रोड आपको देखने को मिल जाएंगे, हालांकि ये इतने बड़े पार्ट नहीं कैरी करते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग है अडानी के, अडानी ग्रीन हो गया, अडानी वाटर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काम करता है। सीवेज जो होता है, सीवेज मैन्युफैक्चरिंग, जो सीवेज प्रोक्यूटमेंट होता है, जो सीवेज को देखभाल होती है, जो भी सीवेज से रिलेटेड काम होता है, उसमें भी अडानी का हल्का सा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जो भी बिजनेसेस है ये सब अडानी के अंदर आते हैं। इनमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सारे अडानी एंटरप्राइजेस के लिए आते हैं। इन सबका अलग स्टॉक नहीं है, एक ही स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये सारे बिजनेसेस आते हैं। जो मेरे ख्याल से 9 से भी ज़्यादा बिजनेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, 10 से आसपास बिजनेसेस है, वो सारे एक ही स्टॉक के अंदर आते हैं, वो है अडानी एंटरप्राइजेस। अब बात करें अडानी एंटरप्राइजेस के, अगर मैं बाइफर्केशन की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो इनका रिसोर्सेज है वो माइनिंग सर्विसेज आता है, आईआरएम से आता है। आईआरएम क्या है? अडानी ग्लोबल है, अडानी ग्लोबल पीटीई लिमिटेड है, और ये काफ़ी एक माइनिंग बिजनेसेस है इनका एक बिजनेस। दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो आता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स से देखने को मिलते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो उसमें एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में जो अडानी के खरीदे हुए हैं, अडानी के एयरपोर्ट्स हैं। वहाँ पर जो भी रेवेन्यू जनरेट हो, अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो, जो एयरपोर्ट कॉस्ट होता है टिकट के अंदर लगाया जाता है आपको, एयरपोर्ट अथॉरिटी कॉस्ट, वो सारे है। आप एयरपोर्ट पर कुछ भी बाय करते हो तो कुछ भी खाने की चीज़ें बाय करते हो, कुछ भी बाय करते हो तो जो शॉप होता है उनको चार्जेस लगाए जाते हैं, वो अडानी को मिलते हैं। अडानी के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, अडानी के रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अडानी के रेल मेट्रोज आपको देखने को मिल जाएंगे। रेल और मेट्रो में उनका ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन हाँ मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत उनका रोल है, ज्यादा आपको कुछ खास रोल देखने को नहीं मिलेगा। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी में अडानी के वाटर आ जाते हैं, वाटर मैनेजमेंट जो हो गया वो अडानी का आपको देखने को मिल रहा है, और जो डेटा सेंटर है वो आपको देखने को मिल रहा है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट मतलब उनका सोल ओन बिजनेस नहीं है, हाँ लेकिन उनका मेजोरिटी स्टेक है, डिसीजन मेकिंग उनका है, लेकिन प्रॉपर सोल बिजनेस नहीं है, वो है सोलार मैन्युफैक्चरिंग। अभी अभी अडानी ने नया शुरू किया है, और अडानी विल्मेर जिसके आपको फॉर्च्यून के जो भी ब्रांड्स है वो सारे आपको अडानी के देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, अगर प्राइसिंग की बात करें कि अडानी के ऊपर कितना कर्जा है, कर्जे की बात करें तो अडानी एक बहुत डेप्थ वाली कंपनी है, इसके ऊपर बहुत आपको डेप्थ देखने को मिलेगा, काफ़ी कर्ज वाली कंपनी है। जो भी इनका अडानी, जो गौतम अडानी है, जिनका मेन फंक्शन ही अगर मैं बात करूँ, उनका बिजनेस मॉडल है कि वो खुद के पैसे पे बिजनेस नहीं करते, वो लोगों के पैसे पे बिजनेस करते हैं, उसको एक वेल एस्टैब्लिश कंपनी खड़ी करते हैं और फिर वो सारा पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, फिर उनके लिए वो एक कैश काउ का काम करती है। तो गौतम अडानी के जितने भी बिजनेसेस हैं सभी बिजनेसेस के ऊपर आपको हैवी डेप्थ देखने को मिलेगा, डेप्थ यानी कर्जा आपको देखने को मिलेगा, काफी कर्जा लेके रखा है ये सारा जो भी बिजनेस रन करते हैं, कर्जे के ऊपर रन करते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक किसी कंपनी के लिए वही होता है कि जो अगर उनके बिजनेस पे कर्जा बहुत है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के पहले उसको 10 से 20 बार सोचता है। अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेन मेरा मोटिव यही होता है कि कंपनी डेप्थ फ्री होनी चाहिए, कर्जा कंपनी पे होना ही नहीं चाहिए, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी अगर कर्ज फ्री रहेगी वो जितना अर्न कर रही है पूरा का पूरा अपने अंदर री इन्वेस्ट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अगर आप एक अर्न कर रहे हो, सपोज आपकी कंपनी है 100 रुपये आप अर्न कर रहे हो, लेकिन आपके ऊपर 1,000 रुपये का कर्जा है, तो 100 रुपये अर्न कर रहे हो उसमें से आपको मेजोरिटी तो वो कर्जदार को देना पड़ जाएगा पैसा, क्योंकि आप अर्न कर रहे हो, कर्जा चुकाते जा रहे हो। लेकिन वही आपकी कंपनी 100 रुपये आप अर्न कर रहे हो, आपके ऊपर एक भी कर्जा नहीं है, उसका मेजोरिटी हिस्सा या तो आप शेयर होल्डर्स में बांट सकते हो डिविडेंड के तौर पर, बोनस के तौर पर नहीं बांटना, तो वो उसका मेजोरिटी जो हिस्सा है वो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो बिजनेस में। आपको कुछ और नया स्टार्ट करना है, आपको कुछ और नया बिजनेस आइडिया आया है, आप वही पैसे को वापस आपके बिजनेस में लगा सकते हो और ग्रोथ ला सकते हो बिजनेस में। लेकिन जब कर्ज आ जाता है कंपनी के ऊपर तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कर्जा है। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट किया और वो गलत हो गया, बैकफायर कर दिया, लॉसेस लेके आ गया, तो वो और कंपनी की जो वैल्यू है उसको गिरा सकता है।
अडानी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो आईआरएम बिजनेस है जो मैंने बताया, इसमें लॉन्ग टर्म डिप की बात करूं तो 369 का आपको लॉन्ग टर्म डिप देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म यानी अभी ही कुछ ही सालों के अंदर उनको वो कर्ज चुकाना है, उसे शॉर्ट टर्म डिप कहते हैं। एलटी डिप यानी लॉन्ग टर्म, एसटी यानी शॉर्ट टर्म कर्जा। टोटल कर्जे की बात करूं तो आईआरएम जो बिजनेस है उसी पर आपको 4,131 करोड़ का उनका आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। माइनिंग सर्विसेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म जो कर्ज है वो है 1400 करोड़ का। शॉर्ट टर्म कर्ज जो अभी ही रिसेंट 1-2 साल के अंदर चुकाना है वो है 500 करोड़ का। टोटल 2,000 करोड़ के आसपास का आपको इसमें कर्ज देखने को मिल रहा है। सोलार मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें आपको 1800 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। शिपिंग की बात करें तो इसमें आपको 500 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। इंक्यूबेटेड बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 2,532 करोड़ का आपको कर्ज देखने को मिल रहा है। और भी अगर अलग कर्ज की बात करें तो 2,000 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो टोटल कर्जे की बात करें 13,237 करोड़, और ये सितंबर क्वार्टर का आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक सितंबर क्वार्टर के ही रिजल्ट्स आए हैं। ये अगर मार्च की बात करें तो मार्च से जो इसका कर्जा है वो 1,000 करोड़ बढ़ गया है। तो कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा कम हो गए तो कंपनी के लिए अच्छा होता है, कर्जा बढ़ रहा है वो कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हाँ, लेकिन देखना होगा कि कर्जा क्यों बढ़ा है। रिसेंटली कुछ उन्होंने नया लेके आए हैं क्या, कि क्या रिसेंटली उनके बिजनेस में कुछ अफेक्ट हुआ है क्या कोविड की वजह से? तो अगर कर्जा बढ़ा है तो ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में है, शॉर्ट टर्म में निकल जाएगा तो ठीक है। लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो भी अगर हम बात करें तो वो आपको देखते को मिल रहा है बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जो शॉर्ट टर्म कर्जा है वो आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज होता है कि जो उनको शॉर्ट टर्म मतलब आने वाले 1 से 2 साल के अंदर जो आपको पैसा फटाक से अभी चुकाना है वो आपका अब धीरे धीरे कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा टाइम है कि आपको घाई नहीं है पैसे चुकाने की। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म कर्जा वो आपको थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी थोड़ा एक लॉन्ग टर्म, कभी ना कभी जाके ये भी तो शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होने ही वाला है ना। जैसे जैसे इसका टाइम आगे चला जाएगा वो भी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कर्ज ओवरऑल होना और बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन हाँ बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करता है। बिजनेस मॉडल्स के ऊपर, अलग अलग मॉडल्स के ऊपर अलग अलग बात होती है कि कैसा कर्जा है, कैसा कर्जा आपको देखने को नहीं मिल रहा। अडानी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको गिरती हुई देखने को मिल रही है। एफ क्वार्टर टू में अगर बात करें, क्वार्टर टू का जो लास्ट जो क्वार्टर था 2019 के अंदर, जो FY20 का जो क्वार्टर था उससे अगर इस क्वार्टर को कंपेयर करें तो आपको 20% रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी आपको हल्की सी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की टोटल अगर हम बात करें, क्वार्टर की बात करें, तो वो भी आपको 10% की टोटल ऑन ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। फॉर्च्यून की अगर हम बात करें, फॉर्च्यून ब्रांड कंटिन्यूज टू डोमिनेट द डोमेस्टिक रिटेल कंज्यूमर पैक मार्केट विद 20% मार्केट शेयर। तो 20% मार्केट शेयर मतलब फॉर्च्यून एज अ ब्रांड, फॉर्च्यून का क्या काम है, वो एडिबल्स बनाती है, एडिबल ऑयल्स बनाती है और जो भी एडिबल आइटम्स होते हैं वो बनाती है। तो टोटल अगर उसका मार्केट शेयर 100 है, अगर टोटल ऑयल्स का मार्केट शेयर 100 है तो उसमें से 20% मतलब हर 10 में से 2 तेल के पैकेट अगर बिकते हैं तो वो फॉर्च्यून के बिकते हैं, भले वो कौन सा भी हो। फॉर्च्यून का अगर सनफ्लावर ऑयल हो, राइस ब्रैन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल देखने को मिले, हर 10 में से आपको 2 पैकेट फॉर्च्यून ऑयल के बिकते हुए देखने को मिलेंगे। तो फॉर्च्यून एक स्ट्रांग ब्रांड की तरफ खड़ा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी अब समझ रहे हैं कि जो रिफाइंड ऑयल है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो धीरे धीरे लोग भी अब उससे स्विच कर रहे हैं। लेकिन फॉर्च्यून के पास ऑलरेडी उनके मस्टर्ड ऑयल्स है, ऑलिव ऑयल्स भी वो लेके आने की सोच रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट उनके पास हर एक वैरायटी के ऑयल्स है, तो उनको इसमें उतना कुछ ज्यादा खास लॉस देखने को मिलेगा नहीं। रेवेन्यू की बात करें, वॉल्यूम्स की बात करें, तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट -33% रहा, -40% रहा, -58% रहा। तो ये तो ओवरऑल बिजनेस की बात हो गई। अगर एबिटा की और ये सब की बात करें तो ये भी आपको थोड़ा बहुत घटते बढ़ते देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्या है कि डेप्थ बहुत है कंपनी की। और डेप्थ के साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर एनएससी की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे और कंपनी इन्फॉर्मेशन पर जाओगे तो टोटल जो इसका लास्ट क्वार्टर में तो लॉस था 8,000 करोड़ का, इस क्वार्टर में उन्होंने 20,000 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। 20,000 लाख इन करोड़ में उन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 75% शेयर है कंपनी के, लेकिन उसमें से 20% शेयर गिरवी रख के रखे, कर्जा भी है, शेयर्स भी गिरवी करके रखे। अगर कल को अगर वो नहीं चुका पाए या कल को कुछ गलत हो जाता है तो ये 20% शेयर्स ओपन मार्केट में बेच दिए जाएंगे। और सोचिए जब ये ओपन मार्केट में बेच दिए जाएंगे तो कितनी हैवी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी अडानी एंटरप्राइजेस में। तो बस इन कंपनीज का यही है, अडानी ग्रुप की कंपनीज ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज डेप से भरी हुई है, कर्जों से भरी हुई है। तो इसके लिए अडानी ग्रुप मेरे तो पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हाँ
मुझे अडानी एंटरप्राइजेस अगर खास के बारे में बात करूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, और थोड़ा इसको मैं अभी शायद बाय करने की सोचूंगा। पहले था मेरे पोर्टफोलियो में अराउंड 200 के आसपास, जब मुझे मिलता था जब पोर्टफोलियो में था, लेकिन 280 290 के आसपास मैंने उसको बेच दिया था। उसके बाद काफ़ी एक डाउन आपको देखने को मिला मार्केट की। अगर मैं बात करूँ ईयर टू डेट की बात करूँ तो मैंने 280 के आसपास इसको निकाल दिया था, जब इसका मैंने एवरेज कर करके उसको खरीदा था। तो 280 के आसपास जब ये आया मैंने इसको निकाल दिया था, क्योंकि बीच में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। उसके बाद काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला कंपनी में। हालांकि कंपनी मुझे इतनी खास पसंद नहीं आती क्योंकि कर्ज बहुत है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करती है और कर्ज कम करती है तो ये कंपनी मेरे ख्याल से, मेरा जो टारगेट होगा इस कंपनी का अराउंड 1000 रुपीज़ का इसका मेरा टारगेट है, 1000 रुपीज़ तक जा सकती है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो कर्जा है वो कम करना है, प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट्स है, उनको ग्रोथ करना है, अच्छे बिजनेस को और एक्सपांड करना है। अगर ये सब होता है और कंपनी स्टेबल रहती है, क्योंकि काफ़ी अनस्टेबल कंपनी है, अगर कंपनी स्टेबल रहती है तो मेरा इसका टारगेट 1000 रुपीज़ का है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है, अगर जैसा मैंने कहा कि अगर कर्ज कम होता है प्रॉफिट बढ़ता है तो ही, वरना ये कंपनी काफ़ी आपको अनस्टेबल देखने को मिलेगी। और क्योंकि कर्ज भी है, शेयर्स को भी उन्होंने गिरवी करके रखा है, कभी भी अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो काफ़ी फास्ट ये शेयर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा डाउट है। इसके लिए ज़्यादा बड़ा हिस्से में अगर मैं खरीदूंगा तो पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होगा अडानी एंटरप्राइज। थोड़ी सेफ कंपनी में मैं बेट लगाता हूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरे को कुछ खास लग नहीं रहा है। हाँ, लेकिन 1000 का टारगेट भी अभी यहाँ से 50 100% आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन शर्त यही है, टाइम कितना लगेगा नहीं पता, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं लगने को। कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ लाती है, ग्रोथ अच्छी ले आती है, भले कर्ज उतना ही मेंटेन करे या उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ भी जाता तो चलेगा, लेकिन ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मिक्स बिजनेसेस आपको इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई सा भी एक भी बिजनेस अगर बहुत खराब परफॉर्म करता है तो उनके टोटल जो बैलेंस शीट है उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा आपको असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लोन ले रखे हैं। तो अगर एक भी बिजनेस गलत परफॉर्म करता है तो इनका जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा आपको डगमगाता देखने को मिलेगा। बाय कर सकते हैं, थोड़ा अगर करेक्शन पे मिले, आपको 400 के नीचे मिले तो आप थोड़ी क्वांटिटी उठा सकते हैं। अगर किसी को बाय ही करना है 450 के आसपास आए तो वहाँ से वो बाइंग शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे नीचे आए तो आप बाय कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, और बाय करना तो आप कर सकते हो, आपका ओपिनियन है। मेरा टारगेट 1000 का है, लेकिन जो कंडीशन है वो है, और मेरा अभी इसमें कोई भी एक इन्वेस्टमेंट नहीं है। थोड़ा टाइम के बाद अगर ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती है तो इन्वेस्ट करने की सोचेंगे। तो बस ये था अडानी एंटरप्राइजेस का मेरा ओवरव्यू एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए।